नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम सीधा आपको खबरों की तरफ ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों को सम्मान करने या अपमान करने की बात जो है कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, तो आइए इसको देखते हैं। जी, यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को सम्मान दिया जा रहा है या अपमान दिया जा रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी व आशा का होगा सम्मान, तो ये खबर जो है कि मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी व आशा का सम्मान किया जाएगा। यही नीचे आपको दिख रहा होगा कि महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में 29 को इंदौर में, यानी कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 29 को इंदौर में जो है कि सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं किस लिए सम्मानित किया जाएगा और क्या कहा जा रहा है। ये सम्मान दिया जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों को या अपमान किया जा रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान बेहतर और समर्पित होकर कार्य करने वाले आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा 19 अप्रैल को बैठक में ये निर्णय लिया है कि पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंची सोमवार को ये निर्णय मोर्चा पदाधिकारियों ने लिया है कि 29 अप्रैल को जो है कि इंदौर में सम्मानित किया जाएगा आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो हम आपको बता दें कि हजारों आंगनबाड़ी बहनें जो है कि सड़क पे हैं और ये जो है कि यहाँ पे बात की जा रही है उनको सम्मान देने की, सम्मानित की जाने की। सम्मान दिया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए। जैसे कि अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनें सड़क पे हैं, पहले उनको जो है कि देखना चाहिए जो उनकी मांगें क्या है, उसको निवारण किया जाना चाहिए, तब जो है कि सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर ये किया जा रहा है ऐसा, तो हमारे हिसाब से तो ये अपमान किया जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों को, जो कि हजारों आंगनबाड़ी बहनें जो है कि सड़क पर हैं और जो है कि यहाँ पर सम्मान देने की बात किया जा रहा है, सम्मानित की जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे जो है कि महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं आंगनबाड़ी बहनें जो है कि हजारों की संख्या में सड़क पे हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर और मानदेय वृद्धि को लेकर। सबसे पहले तो उनके मानदेय में वृद्धि किया जाना चाहिए, सम्मान से ज़्यादा जो है कि जरूरी है कि उनके मानदेय में वृद्धि किया जाना चाहिए, उसके बाद जो है कि उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। आप जो है कि उनके मानदेय में वृद्धि करके उसके बाद सम्मानित करिए, तो आंगनबाड़ी बहनें भी खुश होंगी और आप भी जो है कि खुश रहेंगे। तो इस तरह से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 में जो आशा और आंगनबाड़ी बहनें काम की हैं उसके लिए जो है कि सम्मानित किया जाएगा 29 अप्रैल को इंदौर में। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर थी जो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही थी। हम जो है कि आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि अन्य बहनों तक भी ये खबर पहुंच सके। और इस तरह के खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।